पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र का वितरण आज, बच्चों को शैक्षणिक किट भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को मुख्यमंत्री आज प्रमाण पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र का वितरण आज, बच्चों को शैक्षणिक किट भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया था, उन बच्चों को आज मुख्यमंत्री प्रमाण पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र का वितरण आज, बच्चों को शैक्षणिक किट भी वितरित करेंगे सीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया है, उन मुक्त हुए हैं जो बच्चे, उन्हें प्रमाण पत्र देंगे। तमाम ऐसे बच्चे थे, तमाम ऐसे नौनिहाल थे जो भिक्षावृत्ति जैसी चीजों में शामिल थे, जो भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए थे, तमाम कोशिशों के बाद उन्हें भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया था। आज उन बच्चों को सीएम जो है वो प्रमाण पत्र सौंपेंगे। संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम बेहद ही अहम है क्योंकि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जो भिक्षावृत्ति में शामिल थे, तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इससे मुक्त कराया गया था, और तमाम तरह के लोगों के शिकार भी थे ऐसे बच्चे, आज उन्हें मुख्यमंत्री जो है प्रमाण पत्र सौंपेंगे। बिल्कुल, बड़ा प्रोग्राम है, और चूंकि जो भिक्षावृत्ति भीख मांगने वाले बच्चे थे, उन बच्चों को जो मुक्त कराया गया था, उन बच्चों को आज वो प्रमाण पत्र सौंपेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरे लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर देखने को मिलता है कि अब तमाम चौराहों, बड़े चौराहों पर भिक्षावृत्ति जैसी स्थितियाँ जो है नौनिहालों के साथ देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट है, और उस रैकेट को समाप्त करने का एक बड़ा मैसेज भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रमाण पत्र प्रोग्राम के जरिए देंगे, जिससे अधिकारियों को ये मैसेज जाए कि वो कम से कम जिस जिले पे वो तैनात हैं और जिस जिले में उनकी जिम्मेदारियां सरकार ने सौंपी हैं, वहां पर भिक्षावृत्ति जैसे जो कार्यक्रम है वो न चल पाए, उन पर रोक लगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है, और इस मैसेज के जरिए तमाम नौनिहालों के जीवन को बचाए जाने की एक पेशकश का प्रयास जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया जाएगा। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज सुबह 10 बजे ऑनलाइन बैठक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक